नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, आपणे सामाजिक विज्ञान विषय नी अंदर भूगोल नी अंदर पाठ नौ आपणु घर पृथ्वी एनी अंदर सौर परिवार विषय नी समझ मेळवी दीधी। सौर परिवार में आवता उल्का ग्रहो उपग्रह में चंद्र अने पछी आपणे समझ्या पृथ्वीनु स्थान अने आकार। तो विद्यार्थी मित्रों चलो आपणे पाठ में आगळ वधीए। आजनो मुद्दो छे ध्रुवनो तारो। आकाश में एक तारो एवो छे के जे हमेशा आकाश में एक ज दिशा में एक स्थले देखाय छे, तो पछी ए तारा ने शोधवो ओळखवो कई रीते? आ ध्रुवना तारा ने सप्तर्षि ताराना झूंखानी मदद थी सरळताथी ओळखी शकाय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों तमे आकाश में राते जुओ छे घणा बधा तारा होय, पण एनामां उत्तर दिशानी अंदर एक एकड़ो पड़तो होय तारानुं झूंखू जेने सप्तर्षि कहे, एनी अंदर सात तारा होय छे बराबर। ए सप्तर्षिनी मदद थी ध्रुवनो जे तारो छे सरळताथी ओळखी शकीए छे। कई रीते? तो सप्तर्षिना आगळना बे ताराने जोड़ती कल्पित रेखा की दिशा में आग बढ़ता एक तेजस्वी तारो तमने देखाशे। हवे सप्तर्षि एकड़ो पड़े छे बराबर, तो एना आगळना बे जे तारा छे एनामां कल्पना करिए सीधी रेखा बराबर। तो ए कल्पित रेखा थी आपणने सप्तर्षि तारानी मदद थी ध्रुवनो तारो सरळताथी ओळखी शकाय छे। तेजस्वी तारो एक ज देखाय छे, बस ए ज ध्रुवनो तारो छे। दरियाई सफर करनारा के रण में मुसाफरी करनारा लोको ध्रुवनो तारो सहेलाई थी शोधी काढ़े छे। ए तारो जे दिशा में देखाय ते दिशा उत्तर दिशा छे। आ तारो पृथ्वीना उत्तर गोलार्ध में ज देखाय छे। तेनी स्थिरता अने पृथ्वीने लगभग गोल आकारना लीधे दक्षिण गोलार्धमांथी जोई शकातो नथी। हवे विद्यार्थी मित्रों आ ताराने दक्षिण गोलार्धमांथी जोई शकातो नथी बराबर, उत्तर गोलार्धमांथी जोई शकाय छे कारण के ते उत्तर दिशामां छे अने पृथ्वीनी गोल आकारना लीधे ए दक्षिण गोलार्धमांथी जोई शकातो नथी। पाछो आ तारो उत्तर दिशा में देखाय छे। कई दिशा में विद्यार्थी मित्रों? उत्तर दिशा में। अने उत्तर दिशा समझवा माटे आ ध्रुवना तारानो उपयोग थाय छे। उपयोग एटले के सरळताथी ओळखी काढ़े छे। कोण? तो दरियाई सफर करे छे ते लोको अने रणमां मुसाफरी करवा वाला। केम के? रणमां दूर दूर सुधी रहती जो होय कई देखातुं न होय अने दरियामां ए चारे बाजु पाणी होय कई खबर पड़े नहीं कई दिशा छे कई जग्याए जवानुं छे। तो आ दिशानी माहिती मेळवा माटे पण उत्तर दिशाने समझवा ध्रुवना तारानो उपयोग थाय छे। हवे आगळ वात करी विद्यार्थी मित्रों रेखांश अक्षांश। तो अक्षांश एटले शुं? तो पृथ्वीना गोड़ा ऊपर आड़ी अने ऊभी काल्पनिक रेखाओ छे, परंतु आ कल्पित रेखाओ द्वारा पृथ्वीना कोईपण स्थळनुं चोक्कस स्थान अने समय जाणी शकता नथी। जमीन पर आ रेखाओ होती नथी, आ रेखाओ मात्र नक्शामां ज जोई शकाय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों आ जे रेखा छे आड़ी तमे जोई शको छो अहींया आकारमां, तो अहींया पृथ्वीनो गोळो छे। जो आ गोळो मैं थोड़ो आड़ो पकड्यो छे कारण के तमे आनी आ जे रेखाओ देखाय छे पातळी पातळी आड़ी ए काल्पनिक रेखाओ छे बराबर, जेना द्वारा तमे समझी शको कि काल्पनिक रेखाओ कोणे कहेवाय। तो आ काल्पनिक रेखाओ छे, आनाथी कोई दिशा के कोई नक्की स्थान के एनो आकार समझी शकातो नथी, परंतु पृथ्वीना गोड़ा पर दोरेली आड़ी काल्पनिक रेखाओने अक्षांश कहेवामां आवे छे। पृथ्वीनी सपाटी परना कोईपण स्थळने जो सीधी रेखाथी पृथ्वीना केन्द्र साथे जोड़वामां आवे तो ते रेखाथी वृषीय वृत्तीय काल्पनिक सपाटी साथे केन्द्र आगळ जेटला अंशनो खूणो थाय तेटलो ते स्थळनो अक्षांश बने छे। अक्षांश वृत्तोनी कुल संख्या 181 छे। हवे जो अहींया जो चित्रमां देखाय छे ने आ पृथ्वीनुं केन्द्र छे। हवे आ काल्पनिक रेखा बराबर विषुववृत्तथी जे रेखाओ दोरવામાં આવે છે કાલ્પનિક, હવે ત્યાં જે ખૂણો બને છે એને અક્ષાંશ વૃત્ત કહેવામાં આવે છે બરાબર છે। અને અક્ષાંશ વૃત્તોની કુલ સંખ્યા બરાબર કેટલી છે? 181। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રમાણે અક્ષાંશ વૃત્ત બને છે। હવે અક્ષાંશ વૃત્ત પૃથ્વી ઉપર ઉત્તર અથવા દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં વિષુવવૃત્તથી સરખા કોણીય અંતરે મળેલા સ્થળોને જોડનારું પૂર્વ પશ્ચિમ સળંગ વર્તુળને અક્ષાંશ વૃત્ત કહે છે। હવે અક્ષાંશ વૃત્ત કોણે કહેવાય છે?
तो विद्यार्थी मित्रों जुओ अहीं दिशानी आ पृथ्वीनो गोळो तमने देखाय छे, बराबर गोळ छे। हवे शुं कहे छे, पृथ्वी ऊपर उत्तर अथवा दक्षिण, आ उत्तर अथवा दक्षिण बराबर गोलार्धमां विषुववृत्तथी, आ जे वच्चेनी जे स्थळ छे एने विषुववृत्तीय रेखा कहेवाय, बराबर विषुववृत्तथी कोणीय अंतरे मळेला स्थळोने, हवे जो आ वच्चे केन्द्रमां लाई आ कोण बनाव्यो ने बराबर 90° खूणो बन्यो ने, आ 90° खूणाने बराबर ए खूणो जे बढ़ियो एने जोड़नारू पूर्व पश्चिम सड़ंग पूर्व वर्तुळने, हवे आ जे वर्तुळ छे आ जे जोड़े छे ने ए वर्तुळने શું કહેવાય છે? અક્ષવૃત્ત કહેવાય છે। શું કહેવાય છે? અક્ષવૃત્ત। શું કહેવાય છે? અક્ષવૃત્ત કહેવાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડિયોની અંદર આપણે માત્ર આટલું જ, હવે પછીના વિડિયોમાં જ્યારે મળીશું ત્યારે આપણે રેખાંશ અને રેખાવૃત્ત વિશે સમજીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો ને કે ધ્રુવનો તારો એ ઉત્તર દિશામાં દેખાય છે, દરિયામાં સફર કરનારા અને રણમાં પ્રવાસ કરનારા લોકો એ ધ્રુવના તારાની મદદથી દિશા જોઈ શકે છે, બરાબર છે। આ પ્રમાણે આપણે આજનો વિડિયો અહીંયા પૂર્ણ કરીએ। અસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। અસ્તુ।